गुरुग्राम के संस्कार स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, डांस व गाने व कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक नवीन गोयल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर नवीन गोयल का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। नवीन गोयल ने बच्चों के कार्यक्रम की तारीफ की व कूड़े में वेस्ट होने वाली चीज़ों को नया रूप दिया उनकी भी तारीफ की। नवीन गोयल ने बाल दिवस पर अपने विचार रखे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी, आगे आकर मदद करने का वादा भी किया। बड़ा फेस्टिवल सीजन है, आप सबको सबसे पहले तो फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ मैडम सरोज सागवान जी को, इनकी पूरी टीम को, इस इतना सुंदर नाम सुनकर रखा है संस्कार स्कूल। हमारा जो देश भारत देश है, संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है। यहाँ पर गाय को माता कहा जाता है, यहाँ तुलसी को माता कहा जाता है, गीता को माता कहा जाता है। हमारे हाथ अपने आप झुक जाते हैं, हमारे सिर अपने आप झुक जाता है जब हम किसी वृद्ध को देखते हैं, जब किसी सीनियर सिटीजन को देखते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। आप सबको इसलिए बधाई देता हूँ कि मैंने जो आपकी क्रिएटिविटी देखी, आपने बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी करके कभी बॉटल्स को सजा रखा है, कुछ आपने अलग अलग चीज़ों को जितने भी डेकोरेशन दिख रही है, तो हमारे इंडिया के अंदर और आप सब के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उस टैलेंट को जरूरत है निखारने की, स्टेज देने की, और स्टेज देने का काम मैम सरोज सागवान जी, सागवान साहब और पूरी टीचर साहिबान दे रही है। सुविधाएं होते हुए बहुत कुछ होने वाला तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सामाजिक काम वही है जो अभाव में किया जाए और अभाव वाले लोगों के लिए किया जाए, और इसके लिए बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। बच्चों को मन बोलने सबसे पहले जो मैंने सामोना से बात कर रहा था तो कहा कि आपने शुरुआत कैसे की, उन्होंने पूरा बताया कि हम तो वैसे देखते थे रूटीन में, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हों, चाहे वो लेबर क्लास लोग के बच्चे हों, वो लोग या तो पढ़ नहीं पाते थे या वो शुरुआत करके अपनी टेंथ ट्वेल्थ भी कर नहीं पाते थे। बच्चों इस बात में कोई दोहराई नहीं है, अगर हमें शिक्षा नहीं होगी तो हमारा कल्याण संभव नहीं है, और ये सेम लाइन ऊपर लिखी हुई है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर बेटी पढ़ती है तो दो घरों को बसाती है, एक अपना घर और एक जिस घर में वो जाती है शादी होने के। बाल दिवस है और संस्कार स्कूल में पहुंचे तो सबसे पहले क्या कहना है इसको लेकर? मैं बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को देता हूं। जैसा कि स्कूल के नाम से ही प्रतीत होता है संस्कार स्कूल, मैं यहाँ के सभी टीचर साहिबान को, संचालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि सुविधाओं के अभाव के होते हुए भी ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं तो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल चीज़ है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं इस बात की भी चिंता करना चाहता हूँ कि गुरुग्राम के अंदर कोई भी गरीब परिवार ऐसा ना हो जिसके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर पाएँ, और उसी कड़ी में संस्कार स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैडम सरोज सागवान जी और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, मुझे आज इनके बीच में आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज बच्चों ने स्वच्छता के ऊपर भी एक कार्यक्रम दिया, और मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखें, जब विज़न बड़ा रखेंगे तो ज़रूर जीवन में सफलता मिलेगी। इन सब बच्चों की उज्ज्वल कामना की और स्कूल की, और अच्छा स्कूल आगे ग्रो करे, और हम भी अगर मिलकर स्कूल के साथ कहीं काम कर पाएंगे तो आगे ज़रूर करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्कूल के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी टीचर साहिबान के लिए। बाल दिवस है तो क्या मैसेज होगा आज के बच्चों के लिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों संगत अपनी अच्छी रखें, जब संगत अच्छी होती है तो जीवन में सब चीज़ें अच्छी होती हैं, आदमी गलत चीज़ों की तरफ नहीं चलता। आने वाले टाइम में जब ये बड़े हो जाएंगे तो नशों से दूर रहें, और एक मैं जो पर्यावरण की मेरी भी जिम्मेदारी है,
ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा स्वच्छता का एक प्रोग्राम भी दिया गया बच्चों ने, कि सफाई के बिना अगर हमने सफाई नहीं रखी ना तो हमारे शहर को साफ़ सुथरा रख पाएंगे, सफाई नहीं रखी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो स्वच्छता की शुरुआत हमें हर आदमी को, हर बच्चे को खुद से करनी पड़ेगी। स्वच्छता हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हमें पर्यावरण के प्रति सचेत होना पड़ेगा, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा मैंने इन बच्चों से निवेदन किया है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।